रिलीज नहीं हुई, वो भी रिलीज नहीं हुई, लेकिन देखेंगे इंशाल्लाह जब हो जाएगी। वैसे है ना, अभी चलते बोरियत सी है। यहाँ पे काफ़ी सिकनेस की हुई है उन्होंने, वैक्सीन कार्ड वगैरह देख रहे हैं, मतलब व्लॉग नहीं बनाएंगे। तब काफ़ी लोग एतराज करते हैं और कमेंट भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पर। मेरा जमीन तक सब ठीक होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक नई जगह पे, दिखाती हूँ न्यूप्लेक्स। तो आज हम देखने लगे हैं मूवी, और ये जो मूवी देखने आई हो वो लग जाए, और मूवी आए मैं स्कूल से ही दिलवाती हूँ। हॉरर मूवी है वो, बरिस। इतनी मिट्टी वाली जगह पर लाती ना, जब भी लाती है। और अभी हम आए हैं मूवी देखने के लिए, इसका दिन कर रहा था मूवी देखते चले। काफ़ी सिकनेस की हुई है उन्होंने, वैक्सीन कार्ड वगैरह देख रहे हैं। तो शुक्र है वो नंबर वगैरह करते हैं, हमने वो करके देखा, कितना सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है यहाँ पर, है ना। कुछ और नहीं होता, ऊपर एक सीन हो गया क्योंकि जो हमने मूवी देखनी थी। हाँ, तो और जो देखनी थी वो भी रिलीज नहीं हुई, वो भी रिलीज नहीं हुई, लेकिन देखेंगे इंशाल्लाह जब हो जाएगी। वैसे है ना, अभी चलते बोरियत सी है, अजीब सा लग रहा है। चल चल, आज इसको वैसे ही हर जगह अजीब अजीब लग रहा है। सो अभी बस हम लोगों ने घर जाना था, बट मैं इनको बोला कि मुझे यहाँ से चाय वगैरह पिला दो, सर में बहुत दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो आज मैं दिल का था मूवी देखने को, बट वो मूवी ना अभी रिलीज नहीं हुई। तो वो हॉरर मूवी है, बरिस नाम है उसका। आप लोग उसका प्रोमो जाके चेक करना, बहुत अच्छा है। तो क्या खिला रहे हो? मज़े मज़े की गोलगप्पे मंगवा लिए, और ये पूरा चैलेंज करना, होली नहीं करना। कितने पता नहीं, 10 से मेरे हाथ से दोनों करते नहीं हो जाए रेस। नहीं मैं नहीं रेस लगा सकती, मैं करूँगी। चलो चलो, ये मंगवाया सिंगापुरी राइस। क्या मंगवाया? शास ले, गलत हो गया, चल जल्दी में। इसने बोला था शास ले, अभी इसको देखना मैं इसके ऊपर। रोज़ा मोमो मंगवाते ना, मसला ये क्या लिखा? सर्दी में मैं आपको जब आपकी चाहत सच्ची हो ना, तो पूरी कायनात में लाने के लिए मिल जाती है। क्या बात है भाई, आपके सदके और हमारी चाहत देखते जाओ क्या सच्ची है। कितना नीट एंड क्लीन नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब बोमी और ओमी हर वक्त वीडियो साथ लाते हैं, पर हमारी कोशिश यही है हम कम व्लॉग बनाएं। हाँ सही है, आज के बाद हम मिलेंगे नहीं, कम मिला करेंगे। अच्छा के बाद हम ये लोग नहीं सह सकते हैं कि भाई सुनो, आप सब लोग सुनो सही है। वो ये देखो उसने क्या क्या दिया, इतना प्यारा लिख दिया, नहीं करना वो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। अब आपने ख़राब कर दिया सारा, ये देखो इतना प्यारा लग रहा था। खाना हम लोगों ने खा लिया है, खाना बहुत टेस्टी था, थैंक यू फॉर द फूड। इसने खा लिया मुझे कुछ, और आओ प्लेट तो मैच अटेंडी से ना, चम्मच है ना। तो हमारे फ़ैन भी आए हैं, हमें मिले हैं, तो मुझे बोल रहे थे पप्पी तुम यहाँ की चाय बहुत पसंद करती हो, हम पिलाते हैं। मैं बोले थैंक यू, आपने बोल दी ये काफ़ी क्यों। सही बात है, अच्छी बात है, नहीं कोई बोल देता ये काफ़ी, तो हम तो यहाँ आते रहते चाय वगैरह पीने के लिए। तो हाँ ना, मैं कह रही थी कि मैंने सोचा हम लोग आज के बाद ना व्लॉग नहीं बनाएंगे। तब काफ़ी लोग एतराज़ करते हैं और कमेंट भी आते हैं, मैंने जब से मेरे को पता चले ना, कोई लोग किसी को खुश नहीं देख सकता, मैं अब इग्नोर करता हूँ, मैं नहीं देखता। हाँ ज्यादा हेट मिले तो फिर आंसर दूंगा, वैसे क्या बात है, मतलब हम शादी के बाद की लाइफ कुछ और हो जाएगी, अभी हम इंजॉय कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम अभी जाते हैं कहीं घूमना फिरना, शादी के बाद फिर एनी टाइम साथ होगा। ये भी आप फ़र्क देखें शादी के बाद और अभी को, कोई बात नहीं, जो करता है बोलने को, बकाया हम नहीं मिलेंगे। ये बगड़ो अपना फोन चला जाऊँगी,
आज के बाद जो ना हाँ आज के बाद हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है? सही है, अब तो खुश है ना आप सब खुश हो? बताओ। मेरी वन ऑफ माय फेवरेट यहाँ की कॉफ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। आज इट्स टू हॉट। तो कॉफ़ी का नाम है, क्या नाम है इस कॉफ़ी का? चॉकलेट क्रीमी मट कॉफ़ी। नहीं, चॉकलेट क्रीमी मटके में मिलती है और ये मिट्टी के साथ बनाते हैं, मिट्टी में अंदर, है ना? तो फिर किसी देखने कैसे बनती है, रोमी के व्लॉग में आपको मिल जाएगी। मैं सारी कैप की है और ये तो पूरा इंटरव्यू लेके आया हूँ भाई का, जो कॉफ़ी बना रहा था बहुत ही। और उसकी खुशबू इतनी प्यारी है ना, बहुत मज़े की। तो मैं आप सभी का बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी, स्पेशली उनका जो मेरे सामने बैठे हैं। मतलब हाँ, मतलब बिल दे दिया उन्होंने, तो हम तो मना कर रहे थे कि नहीं, चाहते प्यार होता है वीडियो में वो नहीं आती, लेकिन मैं जोर भी लाती थैंक यू बोल रही हूँ आप लोग को वीडियो में। मैं सोचा नहीं था कभी मतलब इतना प्यार मिलेगा, माशाल्लाह। और अभी तो मतलब मैं कहती हूँ मेरी शादी शुरू थी नहीं, मुझे अभी से मतलब सब कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, जब चीज़ें आएंगी मैं दिखाऊंगी भी आप सबको। मतलब मुझे मना करती हूँ मम्मी तुम यूट्यूब पे मत दिखाना, इसलिए नहीं भेज रहे कि आप चैनल पे दिखाओ, ये हमारा प्यार है, हम तोहफा देना चाहते हैं आप सबकी शादी के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू आप सबका बहुत बहुत। सो एक बार जो मैं आई हूँ घर पे और हम काफ़ी दिनों से ना चीज़ें दिखाना चाह रही थी और आज भी रह गई, इंशाल्लाह आप लोगों को कल दिखाऊंगी क्योंकि बहुत थक गई हूँ। और तो बहुत अच्छी मैं सैंडल्स वगैरह लेकर आई हूँ, बैग लेकर आई हूँ, तो वो भी आप सबको दिखाऊंगी। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल ही परसों आपको अपना मेकअप वाला चैनल भी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आई होप आप सबको पसंद आए। और मैं ना वैलेंटाइन डे पे जा रही हूँ शूट करना, मेकअप शूट अपना, तो आप अगर चाहते हैं मैं करूँ तो लाजमी आज कमेंट बॉक्स में बताएगा ताकि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आप सबके साथ शेयर करूँ। और बहुत ज़बरदस्त मेकअप लुक होने वाला है और आउटडोर करने का मैं सोच रही हूँ, तो बताना आप सब अगर चाह रहे हो तो मैं करूँगी। और जिन लोगों ने मेकअप करवाना है मुझसे, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग को मेरी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आज। तो लाजमी आप सब लोगों ने विजिट करना है, मुझसे मेकअप करवाने भी आ सकते हैं। इस महीने पर 2 मेकअप भी हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस थक गई हूँ और बेड पर लेटूँगी, रेस्ट करूँगी, तो अपनी दुआ में याद रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव फेस।